हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे सुशांत सिंह राजपूत केस में अब कल कोर्ट में होगा नार्को टेस्ट कातिलों का। सुशांत का सच कल सबके सामने आएगा, कल मिलेगा इंसाफ। महाराष्ट्र के नेताओं की नींद उड़ी। जी हाँ, आपको बताया दोस्तों कि अब जो सुशांत सिंह राजपूत का केस है उसका सच धीरे धीरे करके सामने आने लग गया है। इतना ही नहीं, दावा ये भी किया जा रहा है कि नार्को टेस्ट में अब जब मुजरिमों की असली सच्चाई आ जाएगी, पता चल जाएगा कि क्या हकीकत है और किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत को परेशान किया जा रहा था, टॉर्चर किया जा रहा था। तो आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो महाराष्ट्र के नेता हैं ना, उनकी तो रातों की नींद उड़ गई है। महाराष्ट्र के नेताओं को पता चल गया है कि अगर मुजरिमों ने सच बोल दिया तो कहीं उनका भी भांडाफोड़ ना हो जाए। क्योंकि आपको पता होगा कि पहली बात, सुशांत सिंह राजपूत केस में महाराष्ट्र के कई सारे ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर आरोप लग रहे थे, और दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र के नेताओं के ऊपर सिर्फ आरोप ही नहीं लगे थे, बल्कि यह भी दावा किया जा रहा था कि महाराष्ट्र के नेताओं ने पुलिस वालों के साथ मिलकर सबूत के साथ भी छेड़छाड़ की। हालांकि इनके पूरी तरह से पुष्टि तो नहीं हो पाई, ऐसे में हम कंफर्म तो नहीं कर सकते, लेकिन ये बात जरूर है दोस्तों कि महाराष्ट्र के नेताओं की हालत खराब हो जाएगी जिस दिन ये केस सुलझ गया। और इसी वजह से सुशांत सिंह राजपूत केस में जो सीबीआई की टीम है वो कातिलों के ऊपर सख्ती के साथ नजरें रखने की कोशिश कर रही है। पूरा जान लगा दिया है सीबीआई की टीम ने ताकि सुशांत के केस को बस कैसे भी करके जल्द से जल्द सुलझा दिया जाए। तो यहाँ पर आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि कातिलों के सच बोलते ही महाराष्ट्र के नेता फंस जाएंगे। साथ ही वीडियो को लाइक करके इसे और लोगों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।